जाता है। कट्ठों को उड़ाने में थोड़ा सा मसला ये है कि इनको हैंडल करना मुश्किल होता है एक बंदे के लिए, तो एक एक को चक्कर लगवाना हैंडल। दो आज पर आपको मैंने बोला था कि ये देखें असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज वो दिन आ गया है जब हमारे चारों येलो और वाइट रीजनल ट्रेन हो चुके हैं। अब मैं इनको दो दो को भी खोल सकता हूँ, इनको सबको भी खोल सकता हूँ, लेकिन आज तीनों को इकट्ठा खोल लेंगे, येलो को, वाइट को ज़रा आएगी है क्योंकि वाइट की आज फर्स्ट फ्री फ्लाइट है। लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि डोरी के साथ इसको उड़ाया था, तो आज हम डोरी के बगैर इसको निकालेंगे। और येलो तो आपने ऑलरेडी देखे हैं तीनों डोरी के बगैर फ्री फ्लाइट करते हुए बगैर डोरी के, और आज आपको येलो दिखाते हैं। ये चेक करें, और बगैर डोरी के ओपन फ्री फ्लाइट, ठीक है। हल्की सी टिप दे दी है उसके चने की दाल, लालच जिसे कह लें कि लालच दे दी हल्की सी, ठीक है। माशाल्लाह से एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है। और ये चेक करें, ये चेक कर सकते हैं बगैर डोरी के। जैसा कि मैंने बोला था कि पिछली वीडियो में लास्ट इसकी फ्री फ्लाइट है, लास्ट बार इसको डोरी के साथ उड़ाने लगे हैं, तो आज आपके सामने ये बगैर डोरी के है, ठीक है। दो एक चक्कर इसके और लगवाते हैं, फिर येलो को निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा चक्कर लगवाए तो वीडियो लंबी हो जानी है। मकसद आपको वीडियो दिखाने का, ट्रेनिंग के माशाल्लाह से फुल रेडी हो चुके हैं और कहीं नहीं जा रहे, खुली जगह दरख्त हैं, फसलें हैं, लेकिन फुल रिस्पांस जो चारों बच्चों का हमारी तरफ ही होगा। ये हो गया वाइट, अभी बारी बारी निकालते हैं येलो, ठीक है। इसको अलग छोटे केज में डालता हूँ, दरवाज़ा बंद करके रखे तो हाथ में। अभी येलो, दो आ चुके हैं, तीसरे की बारी है। और आपको मैंने बोला था कि ये देखें इकट्ठे छोड़ेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद, यानी कि जब इनका टाइम आएगा, और टाइम इनका आ चुका है, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि बर्ड अच्छे से रिस्पांस करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, तब तक आप रिस्क ना लें। आपको मैंने पहले भी बताया कि पिछले साल मैंने एक रिस्क लिया था और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब देख सकते हैं तीनों येलो को खोला है, वाइट को इसीलिए नहीं खोला क्योंकि वाइट अभी फर्स्ट टाइम है, इनकी दो से तीन दफ़ा हो चुका है फ्री फ्लाइट। और आइए देखें तीनों को इकट्ठे निकाला हुआ है,
किसी खौफ का सीधा मेरी तरफ रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। अभी हम इनको तीनों को इकट्ठे ही उड़ाएंगे और आपको चेक करवाएंगे इनका रिस्पॉन्स, ठीक है। और अभी ये तीनों फारिग हो चुके हैं, यहाँ पे बिठाया है। और अभी देख सकते हैं कि तीनों मेरे पीछे हैं, बजाय कि एक दूसरे के पीछे, सभी मेरे पीछे हैं। तू तो शहर तो ले जा, मैं घूमना, मैं भी घूमना मगर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये रल चेक कर सकते हैं तीनों का, खुद खा रहे हैं। इधर आ इधर, ये देख। इसी तरीके चारों भी, 10 पैरेट भी हो तो 10 भी हम उड़ा सकते हैं, लेकिन जब तक के फुल आपको भरोसा ना हो कि वर्ड ठीक है, अच्छा ट्रेन हो चुका है, उससे पहले रिस्क ना लें, ठीक है। रिस्क बनता ही नहीं उससे पहले। ये अब तीनों माशाल्लाह से इकट्ठे, काफी राउंड लगा दिए। और ये जो हमारे तीनों ही येलो एक हाथ के ऊपर, ठीक है। और अभी इनका पेट फुल करते हैं। आज कट्ठों को उड़ाने में थोड़ा सा मसला ये है कि इनको हैंडल करना मुश्किल होता है एक बंदे के लिए, तो एक एक को चक्कर लगवाना हैंडल करना आसान है, तीनों को कट्ठों का थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है, जिसकी वजह से मैं इनको निकालता नहीं हूँ, ठीक है। एक एक बंदा आ गया इधर, अब एक एक बच्चा इनके हाथ के ऊपर चने डाले, इनके हाथ के ऊपर बिठाएंगे ताकि ये यहाँ से खाना स्टार्ट करें। आ जा तुम, आ जा सन, आ रहा है ऐसे ही काम नहीं। और इसका मकसद ये भी है कि नए बंदे से डरे भी ना, इनका इधर हो, यानी कि कोई नया बंदा हो उससे घबराए भी ना। अच्छा, अरे इधर इधर इधर, नए बंदे से इनका इंट्रोडक्शन होता रहे, नए बंदे से घबराए ना। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका जो बर्ड है वो दूसरे बंदों के साथ अटैच होगा कि नहीं होगा, ये अटैच करने का यही है कि जब नए बंदे भी हों उनके हाथ के ऊपर भी, उनके साथ हाथ के ऊपर बैठ के खाए तो बर्ड फिर घबराता नहीं है, फिर दूसरे से भी अटैच होना शुरू हो जाता है। आप उधर दिखा, ये तीनों देखें सुकून से खा रहे हैं बच्चों के हाथ के ऊपर, रिलैक्स मूड में है। निकालने को चौथे को भी निकालो, लेकिन अभी शाम हो गई है, बाद में इनको पीछे भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से मैं वाइट को नहीं निकाला। लेकिन वाइट आपने चेक कर लिया है माशाल्लाह, वो भी रेडी है हमारा, और ये तीनों भी रेडी हैं, बिल्कुल बेखौफ बेडर, फुल ट्रेंड, खुद खाने पीने वाले और माशाल्लाह से फुल एक्टिव हैं, ठीक है, और खुद खा पी रहे हैं। तो आज आई हो आपने चारों को देख ली, फ्लाइट तो इतनी अच्छी नहीं करवाई क्योंकि तीनों को उड़ाना मुश्किल है। अब तीनों को मैं इस तरह धक्का दूँ तो फिर उन्होंने मेरे पीछे लपटना है। एक ने माशाल्लाह से गोल 2-3 राउंड अच्छे लगा लिए हैं और बाकी भी माशाल्लाह ठीक है। लास्ट वीडियो आपने देखा था, 2-2 राउंड लगा के मेरे पास आ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों चारों बर्ड्स रेडी हो गए हैं। ये हमारा वाइट है, इसी तरीके से अभी पीछे एक ग्रे बच्चा पड़ा है, ब्लू पड़ा है, 2 येलो पड़े हैं, इंशाल्लाह उनको भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सेम ट्रेन किया जाएगा और वो हमारे पास हमारे चैनल के लिए रुकेंगे। ये ऑलरेडी आपको कहा था बुक हैं सारे, और अभी एक के ऑनर से मेरी बातचीत चल रही है कि भाई मंगवा लें, दूसरा अभी मेरे लिंक में नहीं है उनका ना, उनसे कह लें कि मैसेंजर पर रब्ता था। तो अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और लाजमी मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेंजर पर मैसेज करें, तो उनके बर्ड्स रेडी हैं और ताकि मैं उनको डिलीवर करूं और अपने जो कह लें कि जिम्मेदारी मेरी पूरी हो चुकी हुई है, बर्ड्स आपके सामने हैं, फुल रेडी हैं, बाहर ओपन छोड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं, या जो भी इसको मिसल के ऊपर कॉलिंग करेगा उसकी तरफ आएंगे, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लें। जिनके ये बुकिंग है, एक भाई तो ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो जो दूसरे वाले हैं वो उनके लिए मैसेज है कि मैसेंजर पे मुझे टच करें ताकि उनको डिलीवर कर सकता बर्ड।
और लव यू हो गया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।